हेलो दोस्तों, मैं हूँ ज्ञान। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है कि आपके मोबाइल में जो है सिम में नेटवर्क नहीं आ रहा है और इस तरह का देखने को मिलता है आपको, नो सिम कार्ड इंसर्टेड, योर डिवाइस इज अनेबल टू मेक कॉल्स और कनेक्ट टू मोबाइल नेटवर्क, मतलब आप जो है इसमें जो है कॉल भी नहीं कर सकते और इंटरनेट को यूज भी नहीं कर सकते, आपको जो है नो सर्विस दिखाया जा रहा है, नो सिम कार्ड दिखाया जा रहा होगा या नो सिम इंसर्टेड दिखाया जा रहा होगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम अगर आपको आ रही थी, इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स आउट किया जा सकता है, कैसे सोल्व किया जा सकता है, वीडियो में तक बने रहे। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपने जो सिम लगा रखा है उसको सही से लगा रखा है या नहीं। तो आपको क्या करना है, एक बार सिम ट्रे से निकाल के अगेन वापस लगाना है एंड चेक करना है। अगर नहीं होता है तो क्या करना है, मोबाइल के सेटिंग में जाना है एंड यहाँ पर जाकर आपको करना है, यहाँ पर आपको सर्च करना है रीसेट नेटवर्क सेटिंग। और रीसेट नेटवर्क में जाके यहाँ पर वाईफाई बिलिटी एंड मोबाइल नेटवर्क रीसेट होने का आता है, तो इस पर प्रेस करेंगे तो अपने मोबाइल के जो नेटवर्क है उनको क्या कर देना है, आपको रीसेट कर देना है यहाँ से। एंड रीसेट हो जाएगा तो कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आ रही होगी तो वो पिक्स आउट हो जाएगी नेटवर्क की, ठीक है। इसके बाद दूसरा मेथड क्या करना है, मोबाइल नेटवर्क में जाना है और जिस भी सिम में आ रहा है नो सर्विस, उस सिम का अगर प्रेस करने का ऑप्शन आ रहा है तो प्रेस करिए, अगर नहीं आ रहा है तो पहले मोबाइल को पावर बटन को प्रेस करके ऑफ करके ऑन करिए। एंड जैसे स्विच ऑफ करके ऑन करेंगे एंड यहाँ पर क्या करना है, एक बार सिम को कर देना यहाँ से इनेबल से डिसेबल कुछ इस तरह से। एंड जैसे डिसेबल हो जाएगी तो आपकी सिम के नेटवर्क यहाँ से गायब हो जाएंगे मतलब। एंड अब आपको करना है, जैसे डिसेबल हो गया, डिसेबल होने के बाद वापस आपको इनेबल का ऑप्शन आ जाएगा कुछ टाइम में और आप इनेबल करें। एंड इनेबल करने के बाद अब आपकी जब नेटवर्क आएंगे तो चेक करना है कि ये प्रॉब्लम पिक्स आउट होती है नहीं होती है। और अगर नहीं होती है तो फिर आपको क्या करना है, फिर आपको क्या करना है कि ये देखना है कि आपकी सिम को आपने कब से यूज नहीं करा है। अगर आपने एक दो मंथ पहले से यूज नहीं कर रखा हो या 3 मंथ से ज़्यादा हो चुके हो तो हो सकता है कि सिम बंद भी हो चुकी हो। तो आपको क्या करना है, अगर जैसे आपकी एयरटेल की सिम है तो आपको क्या करना है, अदरवाइज एयरटेल की सिम से कस्टमर केयर को कॉल करना है 198 में, ठीक है। और उनसे बात करनी है कि हमारी ये वाले नंबर की सिम है, जो आपकी सिम है उसमें जो प्रॉब्लम आ रही है उसके नंबर आपको याद होने चाहिए। तो उनके जरिए आप बात करिए एंड बात करके कि ये प्रॉब्लम आ रही, नो सिम इंसर्टेड दिखाया जा रहा है, तो क्या ये सिम बंद होगी या क्या इसका पता करना है, तो वो आपको सारी डिटेल्स बता देंगे। अगर बंद होगी होगी तो आपको जो है एयरटेल ऑफिस में जाके और अपने आधार कार्ड ले जाके और उसको ऑन करवा लेना है। तो इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को पिक्स आउट कर सकते हैं। या फिर अपनी जो सिम है उसको क्या करना है, आपको निकाल के और सिम ट्रे से अगर एक नंबर में लगा रखी तो 2 नंबर में लगाइए और 2 नंबर में लगा रखी तो 1 नंबर में लगाइए, एक बार एक्सचेंज करके भी चेक कर लीजिए, हो सकता है अगर प्रॉब्लम आ रही तो फिक्स हो जाएगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू वॉचिंग इन दिस वीडियो।